दोबारा नेक्स्ट इज बेटे ऑक्साइड्स, दीज आर डाइऑक्साइड्स. सो आई हैव रिटन द डाइऑक्साइड फॉर यू, सल्फर डाइऑक्साइड, सीलियम डाइऑक्साइड, लिथियम डाइऑक्साइड एंड पोलोनियम डाइऑक्साइड. ठीक, द फर्स्ट ऑक्साइड इज गैशियस एज यू कैन सी इन द बोर्ड. द नेक्स्ट ऑक्साइड्स आर, नेक्स्ट ऑक्साइड्स आर सॉलिड, वन इज वॉलेटाइल सॉलिड एंड अदर टू आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. So the first two oxides are acidic in nature. No, if they are acidic in nature, they will dissolve in water to form their particular acid. Like sulfur dioxide will give you sulfur sulfurous oxide. You are doing in the junior classes also. जहाँ पे हम acid rain की बात करते हैं, तो sulfur dioxide water के साथ combine होके क्या बनाती है? Sulfur sulfurous acid. जब हम sulfur trioxide की बात करेंगे, वो वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगी? सल्फ्यूरिक एसिड. ये जो एसिड बनते हैं, ये हमें एसिड बनते हैं, जो ऊपर वाला एसिड आप देख रहे हो, उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, इट इज प्रेजेंट एज सच. मगर जो सिलीनियस एसिड है, जो हमें मिलता है सिलीनियम ऑक्साइड के बाद, उसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं. ठीक है बेटे, जो ये नीचे टू ऑक्साइड्स हैं, ये अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं रेदर देन दे आर रिएक्टिंग with a water. ठीक, they react with alkalis. Okay बेटे, so they are reacting with the alkalis, not with the water. Okay, तो ये आपको इसमें से अभी जो ऑक्साइड्स के बारे में, just you have to read out. अभी इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते. क्वेश्चन कैसे आते हैं? जस्ट सी, सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसमें से क्वेश्चन आता है आपको. एग्जाम में सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में से क्वेश्चंस आते हैं. अब सल्फर डाइऑक्साइड, पहले तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ सल्फर, है ना बेटे? इट इज 3s3p4. अब सल्फर, ऑक्सीजन याद रखना एट ए टाइम टू बॉन्ड्स बनाता है, तो ऑक्सीजन ने टू बॉन्ड बनाने हैं. ठीक, अब एक उसमें से क्या होगा बेटे? सिग्मा, और एक बॉन्ड होगा पाई. वन इज सिग्मा, वन इज पाई, यू हैव डन इन क्लास प्लस वन ऑल्सो. तो ये जो एक है इलेक्ट्रॉन, यहां से एक्साइट होके 3d में चला जाएगा. ठीक बेटे, तो इसने, सल्फर ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, हाइब्रिडाइजेशन, या ये sp2, इट विल गो sp2 हाइब्रिडाइज. इसमें सल्फर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक, ये याद रखना है बेटे, जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन होती है तभी बनते हैं. पाई बॉन्ड जितने भी होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बनते हैं, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं बनते. ठीक, तो हमें हमारे स्ट्रक्चर में 2 सिग्मा बॉन्ड हमें नजर आ रही हैं, तो ये हो गए 2 अनपेयर्ड, और ये पेयर्ड है, जो ये लोन पेयर दिखाओगे यहाँ पे आप, ये बॉन्ड में नहीं फॉर्मेशन होगा, दिस इज अ लोन पेयर, ये 2 सिग्मा बॉन्ड है. ठीक, अब ये अनपेयर्ड डी पी में पड़ा है और ये अनपेयर्ड डी में पड़ा है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड. ये ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा. तो एक जो बना है वो सल्फर के पी, और ऑक्सीजन के पास तो होता ही पी है, ऑक्सीजन के पास डी नहीं है. अगर मैं यहां पे दिखाऊं बेटे, इट इज 2s2 2p4, है ना? तो एक ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया और एक ने पाई बॉन्ड बना लिया. ये एक सल्फर की बात है, ऐसे सेकंड सल्फर भी करेगा. एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक पाई. तो एक ऑक्सीजन ने क्या किया? सल्फर के साथ ये जो पाई बॉन्ड बना वो पी पाई बॉन्ड है, मतलब इसका भी पी ऑर्बिटल, इसका भी पी ऑर्बिटल, इसका डी ऑर्बिटल है, ये डी पाई है, और साथ में पी पाई है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो पी पाई ही होता है. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन है, कमेंट ऑन नेचर ऑफ 2SO बॉन्ड फॉर्म्ड इन SO2 मॉलिक्यूल. Are 2SO bond in this molecule are equal?
आप बोलोगे हाँ जी ये इक्वल हैं क्योंकि ये रेजोनेंस में एग्जिस्ट करते हैं। नो डाउट बेटे, एक बॉन्ड पी पाई है, एक बॉन्ड डी पाई है, मगर इनमें रेजोनेंस एग्जिस्ट करती है, ये अपनी जगह शिफ्ट करते हैं। कभी ये वाला ऑक्सीजन बनाएगा, अगर मैं यहाँ पे एक और ऑक्सीजन दिखाऊं, तो अगर इसका ये 2s है, इसका ये 2p है, तो इसका जो 2p है यहाँ पे एक वो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और एक इसने पाई बॉन्ड बनाया, एक इसने पाई बॉन्ड बनाया। अब इसका क्या है p, इसका क्या है d, इसका p है और इसका p है, ठीक है बेटे। मगर ये रेजोनेंस में कभी ये p बना लेता है पी पाई, कभी ये पी पाई डी पाई बनाए, ठीक है बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से ऑक्साइड्स में से यही पूछा जाता है कि आपने कमेंट करनी होती है एसओ के बॉन्ड की नेचर पे, ठीक है। तो आप बताओगे इसका ये लिख के पूरा कि ये सल्फर है, ये पी पाई डी पाई भी, पी पाई भी बन सकता है, मगर क्योंकि ये रेजोनेंस में चला जाता है इसलिए ये क्या शो करता है, दोनों बॉन्ड क्या बन जाते हैं बेटे, इक्वल, ठीक है। अब ये तो हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर सिलीनियम डाइऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर यही है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिलीनियम डाइऑक्साइड, तो इसका भी स्ट्रक्चर यही है, मगर ये स्ट्रक्चर होता है इसका गैशियस फेस में। अगर हम बात करें इसका सॉलिड फेस में, तो ये कुछ नहीं, ये पॉलीमर बना लेगा, एक डबल बॉन्ड और शो करोगे आप और बीच में ओ, तो इट विल शो द पॉलीमर स्ट्रक्चर इन द सॉलिड फेस, इट विल शो पॉलीमर स्ट्रक्चर। अब इसके डाइऑक्साइड के अलावा ये ट्राइऑक्साइड भी बनाएंगे, ठीक है। तो दीज आर सल्फर डाइऑक्साइड, सिलीनियम ट्राइऑक्साइड, वी आर डूइंग ट्राइऑक्साइड, ठीक, सिलीनियम ट्राइऑक्साइड। अब ये जो वाटर में जाके इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, एक ऑक्सीजन आपने बढ़ा देनी है, इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, it will form selenious acid, ठीक है बेटे, and it is not forming an acid but it is forming an oxide, it will form an oxide which is H6TeO6, ठीक है बेटे। so these two are forming acids and this will form oxide, बेटे अगर कोई reaction आती है p block में, I'll give you a chart last में कि आपको याद हो जाए, इसमें ये वाले एसिड वाली रिएक्शन आएगी, सिंपल वाली, अदरवाइज कोई रिएक्शन नहीं आती, ठीक है बेटे। अब अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखें, देखो सल्फर डाइऑक्साइड अगर आपको अभी हमने किया, वो हमने ऐसे बनाया, ठीक है, और ये हमारा लोन पेयर था इन केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये ही बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगी, ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगी, ये ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अब जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये तो स्ट्रक्चर शो करता है, उसके अलावा ये लीनियरली एग्जिस्ट करता है। जब हम लीनियर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं बेटे, जैसे पहले मैंने सिलीनियम ऑक्साइड का बनाया था, तो दो डबल बॉन्ड थे जब ये मोनोमर था, ठीक है, जब ये डाइमर बना तो ये ऑक्सीजन बीच में रह गए, तो एक ही डबल बॉन्ड बचा। इन द सेम वे अब ये दो डबल बॉन्ड बचेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ये चेन में चला जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन चेन में चला जाएगा। आप कैसे बनाओगे, ये सल्फर है, ये दो डबल बॉन्ड हो गए है ना, और ये वाला ऑक्सीजन चेन में, तो इसी इसको कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर। इन द सेम वे जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो साइक्लिक ट्राइमर बनाता है, मतलब तीन सल्फर ट्राइऑक्साइड का बना होता है। इफ आई एम सेइंग साइक्लिक ट्राइमर देन इट इज फॉर्म ऑफ थ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड,
तो सेम वे आपने क्या करना है, इसी को ही क्लोज कर देना, इसी को ही क्लोज करोगे तो आपको पता है ये सल्फर है, ये हमारा डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन है, फिर ये सल्फर है ठीक, ये डबल बॉन्ड ओ है, ये डबल बॉन्ड ओ है और ये ऑक्सीजन है ठीक, फिर ये सल्फर है, ये डबल बॉन्ड ओ है, ये डबल बॉन्ड ओ है और ये ऑक्सीजन, तो ये 1, 2, 3 ट्राइमर हो गया ठीक है बेटे, 1, 2, 3 ट्राइमर हो गया, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड का ट्राइमर। तो ये आइसोलेटेड कंडीशन में भी एग्जिस्ट करेगा, मगर जब हम इसको सॉलिड स्टेट में लेके जाएंगे तो ये आपस में लिंक हो जाते हैं, इधर दे फॉर्म लीनियर्स और दे फॉर्म साइक्लिक ठीक है। अब जो सिलीनियम है, सिलीनियम ये ट्राई मीन्स तीन का बना होता है, सिलीनियम टेट्रामर होता है, मतलब 4SE, देयर आर 4SE, तो 4 कैसे बनाओगे, सेम एक हमने बढ़ा नहीं है, वी विल इंक्रीज 1, दैट इज SE, ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया ठीक है बेटे, O, देन यू कैन फॉर्म लाइक दिस SE डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ठीक, गेटिंग माई पॉइंट, देन S E double bond O double bond O, then how much 1, 2, 3 हो गए। अब एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, let me take S E double bond O double bond O, तो ये क्या हो गया, ये tetramer हो गया, this is a tetramer, so getting my point। अब आपने ये चीजें याद रखनी है बेटे, इन ऑक्साइड्स पे जो क्वेश्चन आता है, सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर पे आता है, सिलीनियम ट्राइऑक्साइड के स्ट्रक्चर पे आता है ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड पॉलीमर नहीं बनाएगा, उसमें सिलीनियम डाइऑक्साइड पॉलीमर बनाएगा, वो भी लीनियर वाला, सल्फर डाइऑक्साइड पॉलीमर लीनियर भी बनाएगा और ट्राइमर भी बनाएगा, और सिलीनियम क्या बनाएगा, टेट्रामर, जो एक ऑक्सीजन होती है वो बीच में ले आओ, बाकी दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, उसमें एक ऑक्सीजन बीच में लेके आए थे, जो एक बची थी वो डबल बॉन्ड ओ की फॉर्म में आपने ऊपर रख ली ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्साइड्स। नाउ कम टू हैलाइड्स। हैलाइड्स पे एक क्वेश्चन पक्का है, SF6 हैलाइड पे, दैट विल कम इन द एग्जाम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इन एग्जाम। लेट अस स्टार्ट विद ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स बेटे, एज वी हैव डन, +2, +4 +6 oxidation state. We have done 3 oxidation state, +2, +4, +6. ठीक है बेटे, सो +6 मतलब 6 के साथ कंबाइन होगी, फॉर एग्जाम्पल दिस +2 जब ये 4 के साथ कंबाइन हो जाए, +4, +2 जब ये 2 के साथ कंबाइन हो जाए, दीज इज एग्जाम्पल ऑफ डाइहेलाइड, this is example of tetrahalide and this is example of a hexafluoride, hexahalide ठीक। अब कोई भी हेलाइड ये बनाएगा, इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करता है इसके साथ कौन सा हेलोजन लगा है, जो हेलोजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा सकता है, जितना इसे ज्यादा पुल करके रखेगा और जिसका साइज छोटा होगा, इट विल इफेक्टिवली ओवरलैप। तो हमें पता है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन ठीक है बेटे। अगर फ्लोरीन का साइज छोटा है तो जब फ्लोरीन लगा होगा तो हैलाइड स्टेबल होगी, क्लोरीन उससे स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी दिस, क्योंकि बेटे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और सेकेंड थिंग, अगर हमने 6 फ्लोरीन लेके आने हो तो हम इजिली लेके आ सकते हैं ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हेक्साहैलाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, हेक्साहैलाइड इज ओनली द वन SF6, इस पे इतने क्वेश्चन बनते हैं ठीक। तो सबसे पहले आपको यही पूछा जाए
SF6 बनता है, HS6 क्यों नहीं बनता? सल्फर हेक्साफ्लोराइड तो बन जाती है, मगर सल्फर के साथ 6 हाइड्रोजन क्यों नहीं लगते? बट इफ यू विल डू पी ब्लॉक इन द क्वेश्चन फॉर्म देन यू विल रिमेम्बर, अगर इसको आप एज सच पढ़ोगे फिर आप भूल जाओगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हेक्सल हैलाइड्स की बात करें तो हम SF6 ही ज्यादा करते हैं, SF6 बनता है, SH6 क्यों नहीं बनता? एनीवन? बेटे F6, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर सल्फर ने +6, जब फ्लोरीन 6 लगे हैं तो इसका मतलब सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, इसका मतलब जो है वो सल्फर के अराउंड जो फ्लोरीन है वो ऑक्टाहाइड्रली लगे हुए हैं 6, और ये 6 तभी लग सकते हैं, इफ आई विल शो यू दिस इज 3s2, दिस इज 3p4, isn't it? अब कितने सल्फर की इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए? देयर मस्ट बी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी 6 फ्लोरीन के साथ लगेगा ये। अगर 6 अनपेयर्ड होंगे तभी 6 फ्लोरीन के साथ लगेगा, अगर अनपेयर्ड कम होंगे तब नहीं लगेगा। अब अनपेयर्ड बनाने के लिए मींस इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल तक लेके आने के लिए कोई खींचने वाला तो एटम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फ्लोरीन एक इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जब ये पास आता है कि ये पी और इवन एस में से भी एक्साइट करवा देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जब ये एक्साइट होंगे सी, अब ये था हमारा, अब अगर मैं पी के एक्साइट करवाऊं डी में, तो एक डी में गया, कितने अनपेयर्ड हुए? 4। कितने बेटे अनपेयर्ड हुए? 4। अगर एस बी, इफ एस ऑल्सो, आई एम राइटिंग हियर, इफ एस ऑल्सो विल बी एक्साइटेड तो कितने अनपेयर्ड हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब तो 6 फ्लोरीन लग सकते हैं, 6 फ्लोरीन लग सकते हैं। अब जब 6 हाइड्रोजन जैसा आना है, इट इज नॉट पॉसिबल, हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि सल्फर के पी के भी इलेक्ट्रॉन और एस के भी इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट से निकाल के आगे एक्साइट करवाने पे मजबूर करे। हाइड्रोजन के पास इतनी टेंडेंसी नहीं है, टेंडेंसी है फ्लोरीन के पास जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है बेटे? तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि HSF6 बनता है, SH6 क्यों नहीं बनता, तो रीजन है कि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सकता है, ठीक है? तो वो सल्फर को हम कह सकते हैं मजबूर कर सकता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए, हाइड्रोजन कुछ नहीं करेगा, हाइड्रोजन इज नॉट सो मच इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन छोड़ के जो आगे एटम्स आते हैं, जैसे आयोडीन की तरफ चले जाओ, हैलोजन की तरफ, 6-6 आयोडीन लगना इतने आसान नहीं है क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। तो 6 फ्लोरीन टू ब्रो आयोडीन टू सराउंड वंस छोटा सा सल्फर इज वेरी डिफिकल्ट। Either fluorine can surround, that is 6, or अगर हम assume करते हैं hypothetical case, hydrogen surround कर सकता था क्योंकि वो भी छोटा है, मगर hydrogen की इतनी ज्यादा electronegativity नहीं है कि electron lower level से higher level तक excite करवा सके, it doesn't have this kind of electronegativity, and if it doesn't have this kind of electronegativity, तो SS6 नहीं बन सकता, okay बेटे? अब ये जो SF6 बनता है ये बहुत स्टेबल बनता है, ये जो मैंने बनाया है, इट इज
स्टेबल मॉलिक्यूल। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि SF6 इजली हाइड्रोलाइज क्यों नहीं होता। आप देख रहे हो, इसको ही देखो फिर से। वन क्वेश्चन वी हैव कवर्ड फ्रॉम दिस एंड द सेकंड क्वेश्चन नाउ। Either they will ask you SF6 is chemically inert or SF6 is not easily hydrolyzed. ठीक, it is a chemically inert or it is not easily hydrolyzed. Hydrolyzed का मतलब होता है बेटे कि water molecule attack करें। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करे। अब ध्यान से सल्फर को देखो, सल्फर को 6-6 फ्लोरीन सराउंड करके बैठे हैं, है ना। अब जब 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं तो प्रोटेक्ट करे ना, बॉडी गार्ड बड़े अच्छे हैं। अब जब इतने 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, किसी और वाटर का आना और इसको अपनी प्लेस से हटाना इतना आसान है नहीं, क्योंकि ये स्टेरिकली प्रोटेक्ट करते हैं। द वर्ड इज दे आर प्रोटेक्टिंग स्टेरिकली। ठीक, तो इसलिए SF6 को, क्योंकि हमने इसके लिए कुछ खाली छोड़ा नहीं है, हमने सारे इलेक्ट्रॉन इसके यूज करवा दिए हैं, एक्साइट होगी फ्लोरीन आई, उसने एक्साइट करवा दिया, इसलिए ये कभी भी किसी रिएजेंट के साथ अटैक नहीं होता। ये जो 6 फ्लोरीन आपको नजर आ रहे हैं बेटे, ये क्या करते हैं, इसको स्टेरिकली प्रोटेक्ट करते हैं। ओके बेटे, ठीक है। अब नीचे जाते वक्त ये स्टेरिकली, ये हम कह सकते हैं ये जो रिएक्टिविटी है इनकी, ये इंक्रीज हो जाएगी। दे विल बी गेट इट हाइड्रोलाइज्ड। क्यों, खुद देखो, नीचे जाते वक्त ये सल्फर से इसकी तरफ अगर ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बने, अगर मैं टिलीरियम बनाऊ, इतना मोटू हो गया, ठीक है, जितना साइज बड़ा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, पोलैरिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। बड़े साइज पे इतना वो स्टेरिकली प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। जब नीचे जाते हैं, जैसे कि मैं टी की तरफ जाऊं, अगर TeF6 बना हो, ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाएगा, वाटर इसके ऊपर अटैक कर पाएगा। वाटर अटैक करके क्या बना देगा, अभी हमने पीछे भी बनाई है, इसकी ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, इसकी ऑक्साइड बना देगा। अब ये, इट इज वेरी, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाई SF6 इज केमिकली इनर्ट और इट इज नॉट इजली हाइड्रोलाइज, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 6 फ्लोरीन एटम एंड दस इट इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड। हाइड्रोलाइज होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को अपने लोन पेयर से अटैक करना पड़ेगा, उसने जगह ही नहीं छोड़ी इसके लिए। अगर देयर इज नो स्पेस, हाउ कैन बी इट कैन बी इजली हाइड्रोलाइज्ड। ठीक, सो इट इज ऑल अबाउट बेटे हेक्साहैलाइड। नाउ कम टू टेट्राहैलाइड्स। अब टेट्रा का मतलब क्या है, फोर, द टेट्रा मीन्स फोर, मीन्स SF4 लाइक SeF4 लाइक TeF4। ठीक, अब अगर मैं इसका, आई विल शो यू, दिस इज सल्फर, नाउ इट हैज टू फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड, फोर बॉन्ड। तो फोर बॉन्ड बनाने के लिए इसका एक T का ही अकेला एक्साइट होगा D में, ये तो लोन पे रह जाएगा, सिर्फ P का बेटे D में एक्साइट होगा, देन ओनली इट कैन फॉर्म फोर बॉन्ड्स। तो अब ये सल्फर है ना, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, S कितने पी है, sp3d, इफ यू रिमेम्बर, प्लस वन, अगर लोन पेयर नहीं होता तो इट इज ट्राइगनल बायोपिरामिडल। अगर लोन पेयर, इफ यू रिमेम्बर, S ये होता है ट्राइगनल बायोपिरामिडल, ठीक है, मगर अभी क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर हम यहां दिखाएंगे, जब लोन पेयर यहां दिखाएंगे तो ये बॉन्ड पेयर हो गए,
ठीक है। सो फोर बॉन्ड पेयर, अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा। तो ये थोड़े से फ्लोरीन हम यहाँ पे शिफ्ट करते दिखा देंगे और ज्योमेट्री का नाम क्या दे देंगे, सीसो। नेम ऑफ द ज्योमेट्री विल बी सीसो, क्योंकि ये जो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा बेटी जी, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा थोड़े से इधर आ जाएंगे, इट विल फॉर्म सीसो काइंड ऑफ ज्योमेट्री। अब इसमें कितने फ्लोरीन अटैच है, फोर। हाँ यस मानविया, सीसो कितने फ्लोरीन अटैच हैं, देयर आर फोर। तो इट इज नॉट स्टेरिकली प्रोटेक्टेड, इट इज नॉट स्टेरिकली प्रोटेक्टेड। व्हाई इट इज नॉट स्टेरिकली प्रोटेक्टेड, बिकॉज इसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। तो हम ये कहते हैं कि ये SF4 जो है बेटे जी, ये लुईस बेस एंड लुईस एसिड बोथ एक्ट कर सकता है। लुईस बेस क्यों एक्ट कर सकता है, व्हाट आर बेसिस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, वो हमें नजर आ रहे हैं लोन पेयर, ठीक है। लुईस एसिड क्यों एक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास अभी एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़ा है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, इट कैन एक्सेप्ट मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हम बोलेंगे लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हैलाइड, वन क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू, एंड आई विल आस्क यू टुमारो। एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई SF6 इज फॉर्म, अगर सल्फर के साथ लगता है कोई हैलोजन और 6 हैलोजन लगते हैं तो सिर्फ फ्लोरीन लगता है, क्लोरीन क्यों नहीं लगता, व्हाई SCl6 इज नॉट फॉर्म, ओके। Now we'll be meeting tomorrow and continuing the chapter.